तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। वेलकम टू माय अदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में अब मैं बात करूंगा मेरिट लिस्ट के बारे में। दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये एजुकेशन का चैनल है और इस अच्छी खबर मिलेगी। और ऐसे में मेरिट लिस्ट का दौर चल रहा है, यानी कि मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट आती है, तो ऐसे में आपको मतलब कनेक्ट रहना बहुत जरूरी। तो चलिए कर दीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, और आप भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ऐसे संबंधित स्टूडेंट हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और पा सकते हो डेली अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों आज मैं बात करूँगा, जैसे कि 2 दिन बाद मेरिट लिस्ट लगने वाली है, और दोस्तों 2 लाख सीटें हैं लगभग, और 2 लाख सीटों में से लगभग 1,30,000 का ही एडमिशन मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब इतने का ही रजिस्ट्रेशन यानी कि 70,000 सीटें खाली है। तो ऐसे में क्या यूनिवर्सिटी मतलब इस बार मेरिट लिस्ट थोड़ा कम पर लगाएगी? तो दोस्तों क्योंकि इस बार 70,000 सीटों पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, तो ऐसे में यानी कि यूनिवर्सिटी उनको खाली तो रहने नहीं देगी, या खाली रहेगी। 70,000 सीटें बहुत बैठती है, इतनी खाली भी नहीं रख सकती यूनिवर्सिटी। तो ऐसे में हो सकता है इस बार की यूनिवर्सिटी थोड़ा इस बार मेरिट कम पर लगाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पहले भी अनाउंस कर दिया है कि वह एक ही मेरिट लिस्ट लगाएगी, बाकी 2 मेरिट लिस्ट ओपन कॉलेज खुद लगाएगा। तो ऐसे में हो सकता है इस बार कॉलेज अपनी तरफ से भी मेरिट लिस्ट लगा रहा है, इस बार यूनिवर्सिटी मतलब अपनी तरफ से थोड़ी मेरिट हाई रख के और कॉलेजों में बहुत लो पर जाएगी। मतलब हो सकता है ऐसा, क्योंकि इतनी सीटें भरनी भी ज़रूरी है। तो इसीलिए खुशखबरी की बात यह भी है कि इस बार मतलब बहुत अधिक चांस है कि मेरिट लिस्ट कम पर लगेगी। तो दोस्तों अगर आप भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और कुछ आपके क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं, मैं आपको जल्दी उनके आंसर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए मतलब लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।